मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता है कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही कुछ योग लेकर के आए हैं, जिसमें अशुभ और शुभ योग भी है, और इतने शुभ योग है कि साधारण तौर पर नहीं मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ अशुभ योग है उनके प्रभाव से ऐसे जातक को पूरा प्रभाव नहीं मिल रहा है। हमारे पास इस जातक ने यह बताया कि गुरुजी, मेरी कुंडली में बहुत अच्छे योग है, कालसर्प दोष है, कालसर्प दोष की मैंने शांति करा दी, लेकिन फिर भी मुझे प्रभाव अच्छा नहीं मिला, पूर्ण नहीं मिला। कोई बात नहीं, विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है और किस तरह का प्रभाव है। आपका लगन कोई भी हो, आपका लगन कोई भी हो, आपके लगन में अगर तीन ग्रह उच्च के हैं तो उसको नृप योग माना गया है। ऐसा माना गया है अथवा साधारण तौर पर राजाओं जैसा होगा। तीन ग्रह कोई भी उच्च ग्रह हो, पीड़ित ना हो, शुभ अच्छी अच्छी स्थिति में हो, कहीं पर भी हो, बारह भावों में से कहीं पर भी हो, ये कहीं पर भी किसी हमारे विद्वान ने ऐसा नहीं स्पेसिफिकेशन किया कि भाई छठे में नहीं होना चाहिए, अष्टम में नहीं होना चाहिए। तीन ग्रह अगर उच्च के हो कुंडली में, वो नृप राजा के तुल माना गया है, कहीं पर भी हो सकते हैं। दूसरा एक है शंख योग। शंख योग कैसे बनता है? पंचम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, आपकी कुंडली में कोई भी हो पंचम भाव में, उसका स्वामी और छठे भाव का स्वामी केंद्र में हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, केंद्र में हो, पंचमेश और छठे भाव का स्वामी षष्ठेश केंद्र में हो। दूसरी शर्त है लग्नेश बलवान हो, तो संख योग बनता है। तो ऐसे योग वाला धनी, प्रतापी, क्षमावान और अजय होता है, यानी वो भी राजाओं जैसा होता है। संख योग भी राजाओं की तरह मान लो, वह धनी होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी, और प्रतापी होगा, क्षमावान होगा, सारे उसमें सुख जो स्थिति एक होनी चाहिए, यह भी राजा के तुल है, राजतुल के बराबर माना गया है। पंचम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी हो, लेकिन लग्नेश बलवान स्थिति में हो। दूसरा एक इसमें और योग भी है, जिसमें कि थोड़े से हमारे ज्योतिष विद्वानों की भिन्नता है। प्रासर जी कहते हैं कलानिधि योग। कलानिधि योग अगर शुक्र दित्य भाव में है, शुक्र और गुरु दित्य भाव में हो, गुरु दित्य भाव में हो, और शुक्र और बुध दोनों उसको देखें, तो वह कलानिधि योग होता है। परंतु हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर कुंडली में बुध और शुक्र की युति कहीं अच्छी जगह पर हो, और अगर गुरु भी उसको दित्य भाव में होकर के देख रहा है, तो कलानिधि योग माना जाता है। इसमें विसंगतियां हैं, कोई बात नहीं। मेरा मानना यह है कि गुरु भी शुभ ग्रह है और बुध और शुक्र भी शुभ ग्रह है, अगर केंद्र में शुभ स्थिति में है और गुरु उनको देख रहा है, तो अपने आप शुभ प्रभाव मिलेगा, वो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कलानिधि योग अपने आप मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छा योग है, वो भी एक किस्म से शुभ प्रभाव मिलता है, राजा जैसा माना जाता है। दूसरा इस कुंडली में शापित योग भी है, शनि के साथ राहु है, शापित योग है, संपूर्ण कालसर्प योग है, कालसर्प योग वास्तुकी कालसर्प नामक कालसर्प योग है, वास्तुकी काल नामक कालसर्प योग, मित्रों से धोखा, कुटुंब में भाई बहन से परेशानी, नौकरी धंधे में उलझन, धन कमाता है तो बदनामी भी साथ लगी रहती है, यश का अभाव रहता है, पद प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर प्रयत्न करना पड़ता है, और संपूर्ण कालसर्प योग है। कुंडली शापित है, प्रबल पित्त दोष है, और चंद्रमा और केतु की युति भी अशुभ है। तो मैंने आपको मोटे तौर पर ये इसने इस कुंडली में बताए। अभी हम देखेंगे कि जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म
23 अप्रैल 1979 कृष्ण पक्ष 12 पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र चरण 2 सोमवार को हुआ। जनन के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ, मिथुन के 11 अंश विराजमान है। द्वितीय भाव में गुरु उच्च राशि में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में शनि और राहु अपनी शत्रु राशि में सिंह राशि में शनि 13 और राहु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में चंद्रमा और केतु केतु की 21 डिग्री और चंद्रमा की 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में मीन राशि में उच्च राशि में शुक्र है, लग्नेश नीच राशि में नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये भी एक राजयोग होता है, लग्नेश दसम भाव में है, यहां पर नीच का आप भूल ही जाइए क्योंकि शुक्र भी वहां पर है तो नीच भंग राजयोग होगा। मंगल 18 डिग्री लेकर विराजमान है, बुध 11 डिग्री और शुक्र 6 डिग्री विराजमान। एकादश भाव में उच्च राशि में सूर्य है, ये ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों शुभ अशुभ योग तो बहुत है, मैंने यहां पर सिद्ध किया पुरस्कार विजेता। आपकी कुंडली चाहे किसी भी लगन की हो, अगर ये तीसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी उच्च राशि में होगा तो ऐसा जातक पुरस्कार प्राप्त करेगा। वह इतना पराक्रमी होगा, जिस जगह पर हाथ लगाएगा अपने पराक्रम से उसको पॉजिटिव प्रभाव ले आएगा, सकारात्मक सोच ले आएगा और उसको पुरस्कार मिलेगा। वो इस भी है तीर्थ भाव का पुरस्कार योग। दर्शकों शिक्षित और राजा के समान, जहां तक शिक्षित है राजा के समान है, धनी भी है प्रतापी भी है, पास योग भी है और शापित कुंडली भी है, परम पितृ दोष भी है और काल सब दोष भी है। तो अच्छे भी अच्छे योगों की भी कमी नहीं और अशुभ योगों की भी कोई कमी नहीं। मिथुन लगन वाले इनके ये द्वय स्वभाव राशि है, द्वय स्वभाव करूं या ना करूं, दो मन वाली वाली जिसको बोलते हैं, जिसके स्वभाव दो हो, इसके स्वामी बुद्ध है, बुद्धिमान होगा, वाचाल भी होगा, सिर पर बाल अधिक होंगे और कार्य से एक कार्य से संतुष्ट नहीं होगा। वह सोचेगा मैं लगातार कई कार्य कर लूं लेकिन किसी कार्यों में सफल नहीं होगा, दक्ष नहीं होगा, सफल नहीं दक्ष नहीं होगा, मतलब उसको स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, परिश्रम के अनुपात में लाभ की प्राप्ति कम होगी। लग्नेश दशम भाव में है, नीच भंग राज हो बन रहा है, माता पिता का भक्त होगा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी और भूमि मकान आदि का सुख मिलेगा, क्यों अपनी राशि को उचित दृष्टि से देख रहा है, लगन का प्रभाव। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पराक्रम का भाव का स्वामी एकादश भाव में उच्च राशि में चला गया, ऐसा जातक पुरस्कार प्राप्त करेगा, उसमें पराक्रम की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि तृतीय भाव भी है, 11 एकादश भाव भी उसी के अनुपात में आता और सूर्य उच्च राशि में हो गया। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी और नवम भाव में है, कुछ असंतोष रहेगा, क्यों अपने से अष्टम स्थान पर है, कुछ असंतोष रहेगा चंद्रमा की वजह, भाग्य का लाभ तो होगा लेकिन चंद्रमा के साथ केतु है पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर रहेगा, यहां पर चंद्रमा केतु से पीड़ित है, चंद्रमा केतु की युति आ गई है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल एकादश भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है। हम साधारण तौर पर सभी ज्योतिष आर्य पंडित जी कहते हैं कि मिथुन लगन के लिए मंगल अकारक है, तकलीफ देने वाला है, क्यों छठे से छठा परम पापी माना जाता है, जहां पर भी होगा हानि करेगा, परंतु मंगल दिग्बली है दसम भाव में और मित्र राशि में आ गया। और दूसरी तरफ हमारा ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है और छठे भाव का स्वामी दसम में अच्छा पद प्रतिष्ठा दिलाता है, यहां पर मंगल दिग्बली है और दसम भाव में आ गया, परिश्रम द्वारा पिता के पक्षी व्यवसाय का उन्नति कराएगा, यश की प्राप्ति होगी, चतुर्दृष्टि से लगन को देख रहा है, प्रभाव की कोई कमी नहीं होगी लेकिन रोग भी देगा, क्यों छठे भाव का स्वामी है और लगन को देख रहा है, रोग तो देगा भाई, जहां अपना जो उसकी नेचर है उसको नहीं छोड़ेगा, छठे भाव का स्वामी लगन को देख रहा है, रोग तो देगा लेकिन प्रभाव की देगा और दसम भाव की ग्रोथ करेगा, पिता और सुख के व्यवसाय में उसको सफलता अच्छी मिलेगी। सप्तम दृष्टि से शत्रु राशि है, छुटपुट कमी तो रहेगी सुख में लेकिन उसकी कमी बुध पूरी कर रहा है तो कोई बात नहीं बैठा हुआ है। अष्टम दृष्टि से मंगल पंचम भाव को देख रहा है,
शिक्षा संतान देगा, लेकिन संतान के विषय में थोड़ा सा परेशानी वाली की बात होगी। आमदनी अच्छी होगी क्योंकि एकादश भाव का स्वामी केंद्र में आ गया, दशम भाव में आ गया, परिश्रम से आमदनी को खींच लेगा। संतान के लिए थोड़ा सा होगा, शिक्षा अच्छी होगी और ऐसे जातक को घुटनों संबंधित रोग दे देगा क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और मीन राशि पैर का भाव है, तो पैर के जॉइंट जो है ना उसमें तकलीफ दे सकता है, दे देगा, अभी नहीं तो बुढ़ापे में देगा, देगा। अभी बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी है, दो केंद्रों का स्वामी है, गुरु केंद्राधिपति दोषी है, उच्च राशि में तो है मान लिया, लेकिन गुरु के जिस तरह से उच्च राशि में है, जिस तरह से जहां दृष्टिपात कर रहा है, उसके फलों में कमी आएगी क्यों, उसका दोष भंग नहीं हो रहा। उसके लिए उपाय मैं बाद में बताऊंगा अंत में। तो गुरु उच्च राशि में है, आप मानोक ये धन की और कुटुंब की अच्छी करेगा, धन और कुटुंब में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि शत्रु भाव को देख रहा, शत्रु का शमन करेगा। निज दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, यहां पर जीवन में कष्ट आएंगे क्योंकि कष्ट और मृत्यु का भाव है। नौम दृष्टि से गुरु अपनी राशि को दशम भाव में मीन राशि को देख रहा है। अब देखिए दर्शकों, समीकरण बना, गुरु की दृष्टि बुध पर भी है, शुक्र पर भी है, मंगल पर भी है। जब मीन राशि में बुध है तो उसकी श्रवण शक्ति ज्यादा होगी, वैज्ञानिक होगा, राज्य मंत्री जैसा होगा। मीन और गुरु की दृष्टि शुक्र पर है, जो शुक्र मीन राशि में धनवान बनाएगा। गुरु की दृष्टि मंगल पर भी है तो अजय होगा। और जब ये तीनों ग्रह मंगल बुध शुक्र अगर दशम भाव में हो, चाहे कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप भूल जाइए अब लग्न को, अगर मंगल बुध शुक्र अगर आपके दशम भाव में है, किसी भी कुंडली में है, तो ऐसा जातक धनी होगा, प्रतापी होगा, क्षमावान होगा, अजय होगा और तीर्थों का स्मरण करने वाला होगा। यह मंगल और बुध किसी भी कुंडली में होने दो, दशम भाव में होने चाहिए। दूसरी तरफ एक चीज और भी मैं बता दूं यहीं पर भी, क्यों दशम भाव उपचय भाव है और बुध और शुक्र उपचय में धन का आगमन करते हैं, ये भी इसी में है, तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब बात करते शनि की। शनि तीर्थ भाव में है, अष्टम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। तीसरी दृष्टि से, उच्च दृष्टि से यहां पर बुद्धि और संतान के भाव को देख रहा है। अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है और उसका मिलन पंचम भाव से हो गया। ऐसे जातक ने अपने क्षेत्र में पीएचडी कर ली। जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि उच्च दृष्टि से देख रहा है और अष्टम भाव का स्वामी और शिक्षा का भाव है, ऐसे ही लोग पीएचडी करते हैं। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, लेकिन शापित है, मजबूर है, पीड़ित है, अपने भाग्य की उन्नति करेगा। दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा भी अधिक होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीर्थ भाव में है, पंचम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव में देख रहा है, विवाह में परेशानी आएंगी, व्यवधान आएंगे। नवम भाव को देख रहा है, भाग्य में अड़चने होंगी। और नवम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव होंगे, आमदनी में उतार चढ़ाव होंगे। अब बात करते हैं केतु। केतु नवम भाव में भाग्य में परेशानी देगा, भाग्य में अड़चने आएंगी, लेकिन पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, इस जातक के ऊंचे विचार होंगे, ऊंचे विचार की तरफ अग्रसर होगा। और सप्तम दृष्टि से पराक्रम को देख रहा, पराक्रमी होगा। नवम दृष्टि से संतान शिक्षा को देख रहा, उसमें छुट छुट परेशानी की बात नहीं। ये मैंने आपको ग्रह का योग बताया। अभी दर्शकों देखिए, नृप योग, गुरु शुक्र तीन ग्रह उच्च राशि में है, गुरु अपने उच्च राशि में है, द्वित्य भाव में है, द्वित्य भाव अच्छा भाव है, शुक्र भी उच्च राशि में है, कर्म का भाव है, मालव योग बना रहा है, उच्च राशि में भी है, मालव योग बना रहा है और गुरु की दृष्टि है, ऐसा मान के सोचो आप। अभी तक जातक को नहीं मिली, अभी वीडियो देखने के बाद उसको मिलेगी। गुरु की दृष्टि है और सोने पर सुहागा है, और सूर्य
तृतीय भाव का स्वामी एकादश भाव में उसका आमदनी की कोई कमी नहीं, और ऐसा सूर्य पुरस्कार दिलाने वाला आता है। इसने अपनी शिक्षा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया, इस जातक ने अपनी शिक्षा के द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तीन निपयोग गुरु शुक्र तीन ग्रह उसके हैं। संख्योग पंचम छठा भाव का स्वामी केंद्र में लग्नेश बनवा, पंचम भाव का स्वामी केंद्र में है, उच्च राशि में है। छठे भाव का स्वामी मंगल है, शत्रु राशि में अपनी मित्र राशि में है, और लग्नेश बलवान है। लग्नेश दशम भाव में 11 डिग्री लेकर बार उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव और गुरु का प्रभाव, और उससे अच्छा बलवान क्या होगा, नीच भंग हो गया। तो संख योग बन रहा है, संख योग भी अपने आप में धनी प्रतापी क्षमावान आदि ये सब बना देता है, अजय बना देता है, अजय बना देता है, धन की कोई कमी नहीं, राजाओं जैसा बनता है। कालसर्प दोष संपूर्ण कालसर्प योग है, कंप्लीट ग्रह राहु केतु की परिधि में है, वासुकी नामक कालसर्प योग बनता है। यह कालसर्प योग में जिसका भी है मित्रों से धोखा होता है, कुटुंब में भाई बहन से परेशानी होती है, और नौकरी धंधे में उलझन होती है, धन कमाता है तो बदनामी भी साथ लगी रहती है, यश का अभाव रहता है, प्रतिष्ठा के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी आसान नहीं होती है। शनि के साथ राहु है, शापित योग है, चंद्रमा के साथ केतु की युति है, चंद्रमा पीड़ित है। ये तो मैंने आपको साधारण तरीके से इसके मैंने आपको योग बता दिए। अभी दर्शकों कुंडली में कालसर्प योग है, कालसर्प निवारण करना चाहिए, जातक ने किया। कुंडली में शापित योग है, नहीं किया। चंद्रमा केतु की युति नहीं किया। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर यह फलाए, परम पितृ दोष है, शापित योग है, नारायण बलि श्राद्ध नहीं किया। जब नारायण बलि श्राद्ध कर लोगे, क्योंकि गुरु यहां पर केंद्राधिपति दोष क्यों हुआ, पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर, तो गुरु भी फल देना शुरू कर देगा और इनका भरपूर उसको फायदा मिल जाएगा। मैंने आपको बताया ना, बाद में बताऊंगा, यानी जब जन्म आप अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्राश्चित कर लोगे तो इस ऐसा गुरु भी अच्छा फल देना शुरू कर देगा। अब देखोगे तो गुरु उच्च है लेकिन केंद्राधिपति दोषी है, दोष भंग नहीं हुआ। दूसरी बात दर्शकों, कालसर्प दोष जिस भी कुंडली में है, अच्छा होता है कि नारायण बलि के साथ नाग बलि कर देनी चाहिए, क्योंकि नाग बलि कालसर्प दोष की बड़ी पूजा है, परंतु नहीं कर पाते हैं तो कालसर्प दोष का ऐसा बताया गया हमारे विद्वानों ने कि जब हमारी क्रियात्मक उम्र रहती है, कुछ काम करने की उम्र रहती है 60 70 80 साल तक, तो हर 4-5 साल के बाद करते रहना चाहिए, यह दोष शांत होता है, मिटता नहीं है। फर्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूर्व जन्मों के प्राश्चित कर्मों का कर लिया, तो प्राश्चित हो गए, आपका कोई पूर्व अशुभ योनि में उसकी भी मान लिया मुक्ति हो गई, लेकिन ये कालसर्प दोष तो ग्रह ऐसे ही रहेगा, और जब ये ब्रह्मांड में बनेगा तो और तकलीफ कारक बनता है। इसकी शांति हर चौथे पांचवें साल में करती रहना चाहिए, जब तक कि उसकी क्रियात्मक आयु है, और फिर आप देखना उसको अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसीलिए जातक को पूरा प्रभाव नहीं मिला, बस एक बार कालसर्प करके छोड़ दिया, रह दिया। चंद्रमा केतु की युति की करे, शनि राहु का शापित योग निकाले, नारायण बलि श्राद्ध करे, नाग बलि करे, और दूसरा एक और योग इसमें है, पास योग। पास योग क्या बताया गया है, हमारे प्रासर जी ने, सभी सातों ग्रह पांच भाव में हो, 1 2 3 4 पांच भाव में ग्रह है, राहु केतु की उसमें मान्यता नहीं है, लेकिन चलो इसमें तो राहु केतु भी है। तो पास योग होता है, ऐसा जातक परतंत्र रहता है, आजादी महसूस नहीं करता, बंधन में रहता है, दक्ष भी होता है, नौकर चाकर भी होते हैं, धन की कोई कमी थी लेकिन फिर भी परतंत्र में रहता है। पास योग भी कुंडली में है और शापित कुंडली में है, तो जब तक इन दोषों का निवारण पूरी तरह से नहीं आ जाता तो तब तक संभव नहीं है आपको पूरा फायदा मिल सके। अब देखिए, आप इतने अच्छे योग है, निर्वियोग मैंने बता दिया, संख योग बता दिया, मान लो कला निधि योग नहीं भी तो चलो यह है, गुरु की इसकी दृष्टि आ रही है, सब चीज ठीक है, बढ़िया है, और मालव योग बन रहा है, पंचम भाव का स्वामी दशम भाव में मालव योग बना रहा है और उसको गुरु भी देख रहा है,
अपने आप में सोचो कितना अच्छा है, लेकिन पूरा प्रभाव नहीं मिल रहा कि काल सब दोष हो गया, शापित हो गया और गुरु केंद्र भी दोषी हो गया और पास योग हो गया। ये दोष कब खत्म हो गए? जब नारायण बलि श्राद्ध के साथ नाग बलि होगी और काल सब दोष की पूजा आप क्रियात्मक आयु तक हर 5-6 साल के बाद करते रहिए, आपको इतना फायदा मिलेगा, हद से ज्यादा मिलेगा। भगवान ने मुझे ये आशीर्वाद दिया जो मैं इस इलाके में मेरा मकान है, इस इलाके में मेरा ज्योतिष केंद्र है जो कि नर्मदा जी के तट के नजदीक है, उसका अच्छा मुझे अनुभव हो गया। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान शास्त्रों के अनुसार इस जातक की कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करने की मैंने भरपूर कोशिश की। आप सोचते हैं कि आपके काम का है वीडियो, तो जरूर कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि और जिसको भी जो देखेगा बंधु भाई उसका भी फायदा होगा। दर्शकों, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक के यहाँ पर काल से दोष पित दोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, सारांश निचोड़ देता है, जो संपर्क करना चाहे कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरुमलान क्रिया बिना किसी शुल्क के भेजता है, जरूरत है फायदा उठाने की। दर्शकों, फिर मैं कहूंगा कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट्स में लिखें, कैसा भी लगा है कमेंट्स में लिखें। जिसने अपनी कुंडली के बारे में कुछ पूछना है मेरे से आप लिखिए, मैं सबसे पहले उन आदमियों की जिनकी कलात्मक आयु है उनके लिए पकड़ता हूं और उनका मैं विश्लेषण करके उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूं। आप इस फायदा उठाइए। दर्शकों, सभी दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि वो भी इस अवसर का फायदा उठा सके और मेरे वीडियो देख सके और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।